नमस्ते, computersikho.com पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मयंक मलिक और आज मैं आपको बताऊंगा विंडोज सर्वर 2008 एंटरप्राइज में आप फेलओवर क्लस्टरिंग किस प्रकार से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। होता तो यूं है कि कई ऑर्गेनाइजेशन में आपको आपके जो विंडोज सर्वर 2008 सर्वर्स हैं उनमें एंटरप्राइज फेलओवर क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जिससे कि वो कई प्रकार के हाई अवेलेबिलिटी रोल्स सपोर्ट कर सके, जैसे कि प्रिंट सर्वर, DHCP सर्वर, फाइल सर्वर। तो वो करने के लिए आज हम देखेंगे कि सबसे पहले एक सेकंड नोड जो क्लस्टर का है वो हम कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक नोड पर जाते हैं। ये हमारा विंडोज सर्वर 2008 है जो अभी टर्मिनल सर्विस से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। इसमें हम जाएंगे स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में है फेल ओवर क्लस्टर मैनेजर, उसको क्लिक करें। लेफ्ट साइड में जो क्लस्टर है उसको एक्सपैंड करें और नोड्स को सिलेक्ट करें। राइट साइड में आपको ऐड नोड करके एक्शन पेन में दिख रहा है, इसको क्लिक करें। इससे ऐड नोड का विजर्ड जो है वो आपके सामने आ जाएगा। में नेक्स्ट क्लिक करें। जो सर्वर आपको ऐड करना है उसका नाम यहां पर टाइप करें। जैसे मेरे को ये सर्वर ऐड करना है करके मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। अभी ये सर्वर वेरीफाई कर रहा है, ये सर्वर आ गया है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब ये बोल रहा है डू यू वांट टू रन कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेशन टेस्ट बिफोर कंटिन्यूइंग। मैं यस करना चाहूंगा, नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर नेक्स्ट क्लिक करें, फिर यहाँ पर सेलेक्ट करें रन ओनली टेस्ट आई सेलेक्ट, नेक्स्ट पर क्लिक करें। नॉर्मली आप स्टोरेज टेस्ट वगैरह रन करेंगे, लेकिन अभी हम ये स्किप कर देंगे। यहाँ पे स्टोरेज होगा कहीं पे, इसको हम हटा देते हैं। क्योंकि स्टोरेज टेस्ट चलने में काफी टाइम लगेगा। अब जो कंफर्मेशन पेज आया है इस पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे।
ये ध्यान रखिए कि वैलिडेशन टेस्ट जो है वो कुछ वक्त लगाएगा कंप्लीट होने में, और आप इसके बाद रिपोर्ट में देख सकते हैं कि कौन कौन से वैलिडेशन टेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए हैं। और अगर कोई आईपी कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग आती है तो अभी आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये वो सारे टेस्ट हो रहे हैं सेकंड नोड पे जो आप क्लस्टर में जोड़ने जा रहे हैं। देखिए वैलिडेट आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे कुछ वार्निंग आई हैं, उनको इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि ये टेस्ट लैब सेटअप है जहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त, तो उसे नजरअंदाज करना ही ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कुछ वार्निंग दिखाएगा नीचे नेटवर्क में आईपी कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये ठीक है। हम फिनिश पर क्लिक करेंगे और वैलिडेशन स्क्रीन पर ये पूछ रहा है डू यू वांट टू रन कॉन्फ़िगरेशन वैलिडिंग टेस्ट, हम इसको नो करेंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। एक और बार ये बोल रहा है कि आप ये वाला नोड रेडी हैं क्लस्टर पे डालने के लिए, हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अभी ये क्लस्टर कॉन्फ़िगर कर रहा है, फिर दोहरा दें ये सारे स्टेप्स हम कर रहे हैं सेकंड नोड को क्लस्टर में डालने के लिए। वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैं ये स्टेप थोड़ा स्किप करता हूं। यहां पर मेरे को कुछ वार्निंग मैसेजेस आ रहे हैं कि नई ड्राइव को स्कैन करना है, मैं कंटिन्यू विदाउट स्कैनिंग कर रहा हूं। अब टास्क कंप्लीट हो गया है और मेरे को ये बोल रहा है कि आई हैव सक्सेसफुली एडेड वन और मोर नोड्स टू अ क्लस्टर, इसको फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक दूसरा सर्वर मैंने इस क्लस्टर पर डाल दिया है और उसका स्टेटस अप एंड रनिंग है। तो आपने देखा कि आप किस प्रकार से एक सेकंड नोट, एक दूसरा नोट जो है वो क्लस्टर में डाल सकते हैं।